चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि चरणारविन्दं। गुरुकर्ता गुरुकर्ण योग गुरु परमेश्वर है भी योग, कह नानक गुरु रहु जताई गुरु बिन मुक्ति न पाई। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं शंभुतं तं नमामि शनिश्चरं। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। 22 अप्रैल सन 2013 और सोमवार का दिन है और आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तात्या महाराज आपके साथ हैं, आपकी हर दुख हर परेशानी हर टेंशन को झेलने के लिए वो तैयार बैठे। बस टकटकी लगाए कुछ देर तक इन आंखों में देखते रहो और प्रार्थना करो और बैठे बैठे ओम शम शनिश्चरा का जाप जरूर करो। ये मनुष्य ये जो मानव है ना ये एक साधारण मानव है, मात्र आपके सुकून और चैन की प्रार्थना लेकर चैनल पर आए। कुछ नहीं करिए, टकटकी लगाइए ओम शम शनिश्चराय। जब तक मेरे साथ बैठो 15 मिनट खाली ओम शम शनिश्चराय का जाप करो। नमन और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र। ओम भद्राय नमः। आज सोमवार के दिन इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेगी। नमन और बात करते हैं सोमवार की पंचांग। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम सम 2070 प्रातकाल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और चंद्रमा सिंह राशि। सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक और राहुकाल का शुभ कार्य करना सौदा करना पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। मेष राशि वालों सितारे मध्यम है, गोचर मध्यम है और गोचर जब मध्यम हो तो फूंक फूंक के काम रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए और अत्यधिक खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन गोचर मध्यम होने के साथ साथ भी परिस्थितियां आपके पक्ष में नजर आ रही है, परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा ये संभव है। दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा, सहयोग की आशा कर सकते हैं अपनों से। संतान की वजह से थोड़ा सा विवाद मुझे नजर आ रहा है और धन का अपव्यय रोक दें तो मुझे नहीं लगता है कि मेष राशि वालों आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए। बस संतान पे थोड़ा सा अंकुश रखें और धन का अपव्यय नहीं हो इसके लिए जुआ सट्टा लॉटरी ना खेले तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह से एकदम गोचर एकदम ठीक है, बस थोड़ा सा संयम रखना है। क्या करें, कार्यस्थल पे कोई फेरबदल ना करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन बात करते वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों गोचर की बात करते गणनाओं की बात करते हैं तो आपके अपने स्वयं के काम करने के तरीके की वजह से आज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, झंझटों का सामना करना पड़ेगा, व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं। अरे भाई संभव है, आपने किसी से 5 रुपया लिया है और आपने 4 दिन कह के लिया और आप देते ही नहीं, 6 महीना हो गया तो ये गलत बात है। तो आज के दिन वृषभ राशि वालों यदि किसी की उधारी है तो उसको समय पर वापस कर देना और अपनों पर अविश्वास नहीं करना। आपकी एक ऐसी एक आदत बन गई है वे लोग जो आपका बुरा करते हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते, वे लोग जो आपके लिए जान देते हैं उनके लिए आप अपने आपके विचारों में कहीं ना कहीं संशय है। तो वृषभ राशि वालों इस चीज को खत्म कर देना, अन्यथा व्यर्थ के विवाद है और झंझट और धन हानि और अशुभ समाचार भी है। आज विवादित भूमिवान में पूंजी निवेश करना नुकसानदायी रहेगा, आज चोट लग सकती है, चोट का डर है इसलिए सावधानी से गाड़ी चले। डरा नहीं रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चे दूध से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना और कंजकों को भोजन कराना कष्ट कम आएगा। क्या करें, बुजुर्गों का सम्मान करो, क्या ना करें, व्यर्थ में किसी से बैर मोल न दे। नमोनयन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, भाई बंधुओं का सहयोग होगा, कुटुंब परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे, प्रियजनों से मेल मुलाकात होगी और खुशियों से वातावरण रहेगा, धन वृद्धि होगी, कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हस्तकला में सफलता मिलेगी और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्या ना करें, कार्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे हैं, आज घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेगी, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो लाभ मिलेगा, व्यर्थ की गपबाजी और फैशन में खर्चा बढ़ सकता है इस पर अंकुश लगाएं। कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम है, खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और आज के दिन कोई भी सौदा करें बुजुर्गों की सलाह से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें,
नवीन कार्य और प्रस्ताव को स्वीकार बुजुर्गों की सलाह से कर सकते हैं लाभ होगा। क्या ना करें तो वाहन तेज ना चलाए। नमूना और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों समय ये कह रहा है कि धन और समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने आपको आपके कर्मों के अनुसार अच्छे समय का संकेत दिया है। परिश्रम के अनुकूल धन लाभ है, परिश्रम के अनुकूल परिणाम है। कार्य सफलता आपके लिए इंतजार करी, बस भागदौड़ और परिश्रम करने की जरूरत। वहां थोड़ा सा खान पान के प्रति सतर्क आपको रहना पड़ेगा। और दूसरा एक बात, खेल कूद हो चाहे प्रतियोगिता हो चाहे परीक्षा हो, सफलता आपका दामन चुमेगी, खाली आपका दम बढ़ाए। क्या करें, थोड़ा सा आय और व्यय को, आमदनी और खर्चे को संतुलित करें। क्या ना करें, राजनीतिक के क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करें। नमूना और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। हर वक्त थोड़ा सा भय बना रहेगा पूरे दिन भर। इसलिए बहुत जरूरी है कि बिना सोचे समय पूंजी निवेश नहीं करें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, सरकारी पंगा नहीं ले, सरकारी लोगों से मनमुटाव नहीं हो, इस बात का ध्यान दें। क्योंकि आज कार्यगति में रुकावटें कर्मचारी और अनुजों का असहयोग है। भोग विलास में रुचि और खर्चा बढ़ेगा और धन का अपव्यय होगा। गोचर सुबह से लेकर थोड़ा सा परेशान है। छोटा सा उपाय है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिछे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें, गाय को पालक खिलाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष क्या करें, पारिवारिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से बात ना बिगाड़े। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भाई बंधुओं का पूर्ण सुख मिलेगा और सुख के साधनों का लाभ मिलेगा। आज नवीन वस्त्र आभूषण कहीं ना कहीं से उपहार मिलेगा, धन लाभ होगा, इच्छित कार्य करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि गोचर आपके साथ खड़ा है। क्या करें, पुराने वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें, किसी भी विशेष योजना में जल्दबाजी ना करें। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों संपूर्ण गणनाओं की बात करूं तो मुस्कुराए नहीं, क्योंकि आज आपको यश मिलेगा। आपके कारोबार में, आपके परिवार में, आपके कैरियर में आज उन्नति के अवसर मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर परिवार का सुख बढ़ेगा, धन लाभ होगा। आज यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, जमीन जायदाद के मसले सुलझेंगे। गोचर बहुत अनुकूल और शुभता का संकेत दे रहा है। क्या करें, नवीन कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या ना करें, किसी को उधार ना दे, बस नमूना बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, वो कारोबार के भी हो सकती है, परिवार के भी हो सकती है और विशेष रूप से संतान की तरफ से भी हो सकती है। वरिष्ठ व्यक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी और ये सफल होगी, रुकी कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा। समय और परिस्थिति में सुधार, समय आपके साथ, बस धैर्य से कदम आगे बढ़ाइए। क्या करें, व्यवसायिक यात्रा करना चाहे तो लाभदायक रहेगा। क्या नहीं करें, यदि आपकी क्षमता नहीं हो तो बेवजह किसी से वादा ना करें। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आप बिना सोचे समझे किसी के पीछे पड़ जाते, एक बात को 20 बार कहते हैं, इतना अधैर्य आपको नहीं रखना चाहिए। मैं आपका अपना हूं, इसलिए कह आप अपने अधैर्य पर काबू करो, धैर्य रखो, बिना वजह किसी के पीछे मत पड़ो, कानों के कच्चे मत रहना वरना नुकसान हो जाएगा। ये आज मानसिक और शारीरिक कष्ट है, झूठा आरोप और आघात लग सकता है, मान प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है, धन की कमी और अपनों का असहयोग हो सकता है और गुप्त कार्य आपको नुकसान दे सकते हैं। ये मेरी सलाह है, जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है। लेकिन आपको यदि परेशानी हो तो छोटा सा उपाय कर देना, ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिश्चराय नमः। शनि के इस मंत्र का जाप करो, श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाना, कष्ट कम आएगा। नमन क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें, कोई नया सौदा, नया प्रस्ताव व सौदा आज ना करें। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों समय अनुकूल है, यदि आप बेरोजगार है तो आज आपको रोजगार मिलेगा और यदि आप नौकरी में तो आपको उन्नति का अवसर मिलेंगे और आपके पास व्यापार है तो भगवान की दया से आज व्यापार में लाभ मिलेगा। घर परिवार में सगाई विवाह सगाई का अवसर प्राप्त होंगे, मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे, घर में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, घर परिवार का पूर्ण सहयोग और धन लाभ भी होगा, दिन बहुत अच्छा है। क्या करें, स्वजनों के हित की सोचें। क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों समय बहुत अनुकूल है, जो आप सोच रहे हैं उसके उसी अनुसार वातावरण, बस इस अवसर का आपको लाभ उठाना है।
क्योंकि आज धन लाभ है, ज्ञान विज्ञान में रुचि है, आप हर जगह विजय है, यश की प्राप्ति है और कोई भी शत्रु आज आपके सामने टिक नहीं पाएगा। प्रतिद्वंदी परास्त होंगे, नवीन लाभ मार्ग प्रसिद्ध होगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे और गोचर की सुखता बहुत अच्छी उन्नति के अवसर के साथ साथ आस पास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। न मना रहे क्या करें, विचार विकारी को पहले पूरा करें, क्या ना करें, बिना सोचे समझे विवादित सौदों में पूंजी निवेश ना करें, इस बात का ध्यान रखें। न मना रहे गीता 12 के 12 राशियों का राशि पर जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। और पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ दाती महाराज की तपस्या स्थली है। मैरोली से ये 6-7 किलोमीटर आगे असोला फतेहपुर बेरी में अद्भुत श्री विग्रह है। मात्र श्री विग्रह के आप दर्शन कर दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, अद्भुत है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए भगवान शनिदेव के दर्शन, आपका कल्याण होगा, आपका कष्ट मिटेंगे। शनिधाम में आने में कहीं कोई परेशानी हो तो 011-266-5-3600 और 011-266-5-3500 इन नंबर पर संपर्क करके एड्रेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नमोना रहे और बात करते हैं आज के उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद भी धन लाभ नहीं हो रहा है, शुक्रवार की शाम को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 7 बूंद गाय का कच्चा दूध, 7 लौंग, 7 मिश्री डालकर सोते समय अपने सिराने रख दे और शनिवार की सुबह सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ओम शम भानु पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते कीकर या पीपल की वर्ष में चढ़ा दे। 21 शनिवार ऐसा करना, कष्ट मिट जाएगा। नमन और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि आंखों में तकलीफ है, ताजा मक्खन पीसी काली मिर्च को मिलाकर कुछ दिनों तक, ध्यान रखना काली मिर्च एकदम पाउडर की एकदम मखमल महीन होनी चाहिए, उसको ताजा मक्खन मिल आंखों में आंसू तो आएंगे लेकिन कमजोरी दूर हो जाएगी, पलकों की सूजन समाप्त हो जाएगी, नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर है उपाय, छोटा सा नुस्खा करके देगी आपको अवश्य लाभ, बाकी माने न माने आपकी मर्जी। नमन और बात करते दाती गुरु मंत्र। संदेह मित्रता में सबसे बड़ा शत्रु है, संदेह मानव को घुन की तरह खा जाता है और वे देखा है अज्ञानी श्रद्धाहीन और संदेह वाले व्यक्ति का विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए, इस पर अपना कल्याण चाहते हो ध्यान के मार्ग पर अग्रसर हो जाओ और ध्यान सारे संदेहों को मिटा देता है, सारे विकार दूर हो जाएंगे, जीवन सरल हो जाएगा। जब ध्यान करते हुए स्वयं अपने आप को पहचान जाओगे तो वो सारे कारण आप जान जाओगे, सब होने को जान जाओगे, सब कार्यों के संचालन को जान जाओगे और संदेह स्वतः ही मिट जाएगा, भय नष्ट। जहां संदेह गया भय नष्ट हो गया। भय आपको स्वाधीन बनाता है, संदेह आपको पराधीन बनाता है, संसार आपको पराधीन बनाता है। संसार एक नहीं अनेक संबंधों में डालेगा, किस किस को संभालोगे। ध्यान एक संबंध बनाता है, वो है परमानंद परमात्मा परमेश्वर, उसे एक करेगा। संसार अहंकार देगा और ध्यान अहंकार को तोड़ देगा। संसार बंदी बनाएगा, ध्यान आपको मुक्ति देगा। संसार प्रश्न पर प्रश्न करेगा और ध्यान इन सारे प्रश्नों पर आपको विराम लगा देगा। संसार हलचल देगा, विचार शून्यता देगा। संसार अनेक विचार उत्पन्न करा, ध्यान निर्विचार बनाएगा। ध्यान को अपना कर इस संसार सागर से पार हो जाओ, मैं यही समझाने आया हूं। अहम भाव मिट जाएगा, इसलिए संदेह मिटा लो, ध्यान करो तुम्हारा। और ध्यान कैसे करें चाहता हूं इन सब पंजाब में, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, चंडीगढ़, अमृतसर, हिसार, हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, सब जगह जाना चाहता हूं। संपर्क करो 9414124600 पे संपर्क करो। नमरान बात करते हैं आज के सुझाव। और आज सोमवार का दिन, यदि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, हमेशा मन में मानसिक अस्थिरता रहती, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, आज के दिन 11 गोमती चक्र अपने 7 बार उतार कर विपरीत दिशा में खड़े होकर दक्षिण दिशा में फेंक दी। ध्यान रखना, उतारना विपरीत दिशा में और फेंकना दक्षिण दिशा में, ये उपाय करके देखना आपके लिए ठीक रहेगा। आज इतना ही, कल के लिए यानी मंगलवार के लिए कष्टों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है ये बताऊंगा, और हृदय में कोई प्रॉब्लम है उसका नुस्खा बताऊंगा, और मंगलवार का अद्भुत जीवन मंत्र, अद्भुत राशिफल, अद्भुत टोटके और अद्भुत दाती गुरु मंत्र लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही, नमो नारायण।